Welcome to Borai News. 60 kg ganja recovered from Hekelu in Dimasa. of ganja marijuana was recovered on the way to Hekelu village under Mahur police station by police on Thursday night. Speaking to media, Superintendent of Police Mayank Kumar said an input was received about transportation of ganja in Hekelu area. ये कल लेट नाइट एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था माहौर से अंदर लाइसोंग एरिया के साइड में, काफ़ी इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ पे कुछ गांजा का इनपुट था, तो हम लोग का यहाँ से भी पार्टी गया और माहौर पुलिस स्टेशन का भी जॉइंट पार्टी गया। वो लोग सर्च करने में रास्ता के साइड में ऑलमोस्ट 60 kg गांजा मिला, और इसका और भी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहाँ से आया क्या था वो भी चल रहा है। बट ये वाला जो रूट है माहूर वाला लाइसोंग वाला, उस रूट में मूवमेंट हो रहा है ऐसा हम लोग को इनपुट मिल रहा है, और हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उसको इंटरसेप्ट किया जाए। और सर, इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? नहीं, अभी तक इसमें कोई पकड़ाया नहीं है, वो अबैंडेंड कंडीशन में मिला था, बट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी इससे रिलेटेड होगा उसको जितना जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। अच्छा, 60 kg। So the police team from Haflong and Mahur police station launched a search operation in Laisong area at night and recovered about 60 kg of ganja on the way to Hekelu. However, they still did not arrest any person. Search operation is still going on to find the peddler. Reporting by Pankaj Timung, Borai News.